गाइस, आज हम जाने वाले हैं सिवान से यूपी और मुझे लेना है अपना एडमिट कार्ड। और ये मेरा बीकॉम का फाइनल ईयर है, तो इसलिए मैं इस पर एक ब्लॉग बनाया, सोचा कि एक ब्लॉग बना लूँ और मुझे एडमिट कार्ड जैसे मिल जाएगा मैं आप सबको दिखाऊंगा। और मेरा एग्ज़ाम जो है वो 19 तारीख से पढ़ने वाला है इसी मंथ में, और मुझे हमेशा ऐसे ही जाना होगा क्योंकि बाइक से जाना थोड़ा रिक्स है। और वैसे हम अभी प्लेटफॉर्म पे ही हैं, टहल हैं, और मास्क इसलिए लगाया हूँ क्योंकि फ़ाइन लगता है, तो फाइन से बचने के लिए मास्क लगा लिया। खैर, एक बार थोड़ी देर के लिए निकाल लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। और हमारे साथ में हैं आवेश अहमद सिद्दीकी। हाय दोस्तों, और ये अपने बारे में कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे। बोलिए सर। मैं आप सबको दिखाता हूँ सिवान स्टेशन के नज़ारे, और हम अब यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। पहुंच चुके हैं ऊपर, और ऊपर नहीं मतलब यहाँ ये कौन सा प्लेटफॉर्म के ऊपर, और यहाँ से हमें जाना होगा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। मास्क इसलिए पहनाऊँ क्योंकि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, वरना यहाँ पर फाइन लग जाएगी। हाँ, हम जाने वाले हैं यहाँ लिफ्ट से। खुल चुका, हम यहाँ से नीचे जाएंगे। पहले तो मैं ऊपर गया था, फिर नीचे जाऊँगा। अब मैं आ चुका हूँ नीचे, और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ट्रेन का। जब हम ट्रेन में चढ़ चुके हैं, और ट्रेन से उतरने के बाद आप सबको यहाँ की वीडियो दिखाते हैं। अब हम आ चुके हैं भटनी जंक्शन पे, और हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ पे लग चुकी है। मतलब हमारी ट्रेन नहीं है, गवर्नमेंट की ट्रेन है। हाय दोस्तों, वेलकम टू आपका। रुक रहे। सो यहाँ पर जो है पूड़ी और जलेबी मिल रहा है, और हम हैं रोज़ा क्योंकि हमारा है फेस्टिवल, और ये रमज़ान का दिन है तो हम रोज़ा हैं, तो इसकी वजह से मतलब पूड़ी जलेबी नहीं खा सकते हैं। और पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी को देखते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बुरी स्थिति है। यहाँ पर एक भाई साहब लेटे हुए हैं, और ये लेट कर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अरे कैमरा में दिख रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ, भाई साहब सोए हुए हैं। डिस्टर्ब नहीं करना है, नो डिस्टर्ब। खैर, अब हम चलते हैं आगे। चलो, डिस्टर्ब नहीं करना है भाई साहब यहाँ पे। और आप पीछे देख पा रहे हैं, ये रेलवे लाइन है, और हमें इसे पार करते हुए जाना पड़ रहा है काफ़ी दूर से। मतलब आप सबको मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। आप सब देख पा रहे होंगे कि ये जो दूर पे वो आपको पुल दिख रहा है ना, वहाँ से हम चलते हुए आ रहे हैं, और ये सारी रोड पार करते हुए, मतलब ये जो रास्ते हैं इनको पार करते हुए हम कुछ आगे की तरफ जाएंगे, और वहाँ से मार्केट पड़ेगा, वहाँ से हम एक ऑटो लेंगे। ऑटो लेने के बाद हमें जाना होगा किसी मतलब मैं आप सबको दिखाता हूँ आगे चल के। वैसे मैं यहाँ पे हमेशा नहीं आता, बस एग्ज़ाम के टाइम और एडमिट कार्ड लेना होता है तभी आता हूँ। चलते चलते मतलब बहुत ही उम्मीद दिखा, मतलब उम्मीद की एक किरण जो है वो दिखी, और एक रियल वाली किरण दिखी, मतलब जो आसमान में होती है वो काफ़ी देर से दिख रही है, लेकिन आप सबको भी शायद दिख जाए। खैर, अब हमारी जो रास्ता है, मतलब हमारी रास्ता नहीं, गवर्नमेंट का ही रास्ता है, और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं गवर्नमेंट के रास्ते पे। और हमारा ये जो मतलब क्या बोलते हैं, ऑटो लेने का जो जगह है वो हम अब पहुँचने वाले हैं उधर। यहाँ से आप देखिए, अगर दिख जाए तो सही है पुल। हाँ, यहाँ से हम लोग इधर जाएंगे, मार्केट पड़ेगा, वहाँ से ऑटो लेंगे। ऑटो लेने के बाद हमें निकलना होगा कॉलेज की तरफ। वैसे हम सिवान से आए हैं ट्रेन से, और ट्रेन से उतर के यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ से जाएंगे मार्केट में, और मार्केट में वहाँ से ऑटो लेकर तब आगे निकलेंगे। और आगे आप सब देख रहे हैं कि ये ढाला कहते हैं ना इसे हमारे यहाँ, हाँ, तो ये ढाला जो है वो बंद है, तो ये अगर नहीं भी खुलेगा तो भी हम पार हो जाएंगे क्योंकि हमें कोई रोक नहीं सकता। हमें यहाँ के
प्रिंस बोले तो प्रिंस। तो देखिए हम कैसे पार होते हैं, कैसे पार होंगे नीचे से। तो हम नीचे से पार हो गए और ये भी पार हो गया, अब मार्केट की तरफ जाएंगे। तो गाइस अभी हम 50 मिनट मतलब एक घंटे से चल ही रहे हैं और अभी तक मतलब ये ऑटो स्टैंड तक नहीं पहुंचे, हालत ख़राब हो चुकी है और अभी मार्केट में ही हैं। मार्केट यहाँ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, काफ़ी दूर तक है और यहाँ का मार्केट भी थोड़ा अच्छा है। मैं अभी आप सबको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ और वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा क्योंकि ज़्यादा देर का वीडियो नहीं रखना है। हम लोग पतली गली से भी निकल जाते हैं, मतलब एक सुराख होता है ना उसमें से भी निकल जाते हैं। गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पे ऑटो स्टैंड की तरफ। यहाँ पे देखिए ऑटो लगी हुई है और सामने भी है लगी हुई है। अब हम ऑटो ले लेते हैं और यहाँ से हमें जाना है रामपुर। सो है गाइज अब हमें ऑटो मिल चुकी है और हम ऑटो में बैठ चुके हैं रामपुर के लिए। यहाँ से हम रामपुर जाएंगे, वहाँ से कहाँ जाना है हमें देमूसा घाटी, मतलब नाम कुछ अजीब है। वैसे हमारा कॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है तो नाम से और कॉलेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पार हो गया और अब हमें जाना है जंगल की तरफ। मैं आप सबको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे कितना सुन सन्नाटा है और इसे हम लोगों को पार करना होगा। ओए चलो जल्दी। देख सकते हैं कि ये जो रोड है, मतलब ये जो रोड है ये काफ़ी दूर तक है और इसे पार करना होगा और वो भी पैदल। हालत तो ख़राब हो रखी है लेकिन इसे कैसे भी पार करना होगा। अगर पार नहीं करेंगे तो फिर यहीं पे रह जाएंगे और कभी भी हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे। और तो खैर चलते हैं फटाफट, चलो वो चलो वो चलो वो चलो, चलो, चलो। मेरी फ़ोन की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो चुकी थी और मैं हूँ अभी वेटिंग रूम में प्लेटफॉर्म पे और मैं अब जाने वाला हूँ रिटर्न होम। और हमारा जो हमारा एडमिट कार्ड आप सब देख सकते हैं, उल्टा दिख रहा होगा उल्टा, आई मीन आईना में है तो उल्टा ही ऐसे दिखा दो। तो ये था, ये है हमारा एडमिट कार्ड। यहाँ से हमें जाना है घर और घर जाने के लिए हमें ट्रेन पकड़ना होगा, तो ट्रेन का भी वेट करते हैं। ट्रेन हमारी आएगी कितने बजे, ट्रेन आएगी मतलब 3:30-4 बजे तक ट्रेन आ जाएगी और मैं सिवान पहुंच जाऊंगा 5 बजे तक। उसके बाद वहां से ऑटो करके घर जाऊंगा। तो ये था आज का ब्लॉग वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।